वृंदे नमस्ते शरणारविंद हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बरासि हे रूप दुर्गत जन दयावलोके हे भट्टयुग्म सुमति रघुनाथ दास अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपं जन प्रभजन्तमनुपीतमपेतकृतम् नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर कौरवभक्त वृंद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोवर में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्रील दिव्य महाराज श्री जाचक महाराज श्री नरसिंह महाराज अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण अपना बोल रहे तो कारा कारा हिंदी बुझते पारे ना ठीक करे सुने तापरे बोल रहे कारा हिंदी बुझते पारे ना कारा हिंदी बुझते पारे ना कारा टीवी देखे ना बोले ना अमिताभ बच्चन सिखा के बाद में ना अपने तरफ नहीं आसवा हिंदी बुझते पारे हम लोग श्रवण कर रहे थे ये श्रीमद् भागवत कथा की महात्म श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अगर किसी ग्रंथ की महिमा को समझना चाहते हैं चार विषय के ऊपर में इसी विषय के ऊपर में विचार करना चाहिए। चार विषय पहला नंबर है सवाई ध्यान के सुन गए काल के सवाई का हम ध्यान से करो ठीक है सुने एक रकम ने एक बस है सुनो एक शेष हो गए मन दिए सुनवा पहला नंबर है ये भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन है ये कथा को कौन सुन सकते हैं लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बल्कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम
तथा भागवत लग्न कहते एक जन्म नहीं बोले बहुनाम जन्म ना मानते करोड़ों करोड़ों जन्म का जब कोई पुण्य उदय हो तभी ये भागवत कथा कोई सुन सकते। अगर कोई बोले हम तो इतना पुण्य किया है हम तो बड़े पापी हैं क्या ये भागवत कथा हम सुन सकते हैं क्या, तब इसी के लिए उदाहरण दिया कहिए धुंधुकारी जैसे आप इतने बड़े पापी नहीं हो सकते हो। जब गोकर्ण ने धुंधुकारी नाम पर गया में पिंड दिया लेकिन जब घर में वापस आया देखा फिर वही धुंधुकारी भूत बनकर घर पर बैठा हुआ बोले तेरे नाम पर मैंने गया में पिंड दिया तेरे को मुक्ति नहीं मिली। महाराज जी सामने वैसे बोल रहा इसलिए बोले तेरे तेरे मुक्ति नहीं हुई बोले भैया मैंने इतने पाप की मेरे नाम पर अगर 100 बार भी पिंड दे दोगे ना तभी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। इतने बड़ा पापी है नियम है गया में भगवान का चरण छूना है। इतना कोई पितृदोष हो गया में जाए कोई पिंड प्रदान करे सारे पितृदोष खत्म हो जाता है पितृपुरुषों का उद्धार हो जाता है क्योंकि भगवान का वरदान है। लेकिन गोकर्ण धुंधुकारी कहते 100 बार भी मेरे नाम पर पिंड दोगे मेरी मुक्ति होने वाली नहीं मतलब वो इतने बड़ा पापी था लेकिन इतने बड़े पापी का मुक्ति मिला तो उद्धार हुआ तो कैसे उद्धार हुआ बल्कि भागवत कथा से तात्पर्य है अगर किसी ना किसी तरह से आओ केवल भागवत कथा में बैठ गए दूसरे दर्शन तो जब तो बढ़त पापी थे के पापी ना कहना हो किंतु यदि एक बार कहीं ऐसे भागवत कथाएं बसे जाए एवं ये भागवत कथा के श्रवण करे जब तो बड़ा पापी होना के ना चार नामे 100 बार गया ते पिंड दिले वो मुक्ति अरना तिनियो ये भागवत कथा ही मुक्ति मिला। एक ने कथा सुना रखी अधिकारी बोले पापी थे के पापी भी ये कथा सुन सकते हैं। अगर कोई बोले हम क्या कम जानता अरे ये सुनी सुनाई कथा को कितना बार सुनेंगे हम बहुत बार सुन लिया हम गीता भागवत रामायण सब जानते हैं हमें ये सब कथा बता सुनने का कोई जरूरत नहीं बुधवार से कहो यदि कहो बोले आगे कत बार सुनो अनेक बार हमने सुने थी हैं हमें अनेक बार पंडित है हम सब पढ़ देखे थी हमारे सब कथा बता सुना रहे हम दरकार नहीं। इसके लिए उदाहरण देते हैं बोले आप श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने बड़े ज्ञानी हो ही नहीं सकते हो। जो सुखदेव गोस्वामी मातृगर्भ में 16 साल तक रहे वो गर्भ से निकलना ही नहीं चाह रहे थे वो गर्भ में बैठ बैठ करके भजन कर रहे थे लेकिन भागवत कथा में इतने रस है भागवत कथा की इतने महत्व है। एक श्लोक केवल श्री सुखदेव गोस्वामी की कान में पड़ा तो सुखदेव गोस्वामी पागल हो गए वो ब्रह्म ध्यान ज्ञान को छोड़ करके और बाहर निकल करके आ गए भैया इतने सुंदर जगत में कौन है इतने सुंदर है हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी एक प्यार में कहते हैं बले राम कथा जेरी सोना ता अघाई राम कथा जेरी सोना ता अघाई कृष्ण कथा I'm
संसार कत सुनब सुने सुने हम बोर हो गए कथा यदि कहीं बोले ना बोले की माने करता है भाई वो प्रकृति का रस संबंध और पर ज्ञानी कहीं ने हमारे से रुको गोस्वामी कुछ बोल से बोले तुंडे तांडव विविध विचार होते तुंडा बलि लब्धे करना प्ररो कड़मि घटते करना बुधे वसुया श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं ये कृष्ण दुई अध्याय आछे भगवान ये मध्य के कत रस रख दिए छे जखन काने पथ प्रवेश करना बोले करना प्ररो कड़मि घटते करना बुधे वसुया मन है ब्रह्मा तो सृष्टि करना जाने जाने ना इतो सुंदर कृष्ण नाम को सुना रहे थे दूध काम के नदिये से हाँ यदि कोटी कोटी काम दितो ना तबे गोविंद ने कथा सुने आम के बाये ये तो बोले तुंडे तांडव ने दितन ते सुंदर बोली लगता है जब हमें जीवार ऊपर उतर है बोले एक ताय जीवार के नदिये दिलो और बुद्ध खरबुद्ध जीवार के नदिलो ना जब हम हृदय मत में प्रवेश मन है जेना रस्तरे धारा बरसित हो चे हृदय मत एकने जखन त्रिजु महाराज के भगवान बोले वर मांगो तेने की बोले बोले प्रभु तुम यदि वर देते जाओ ना आमा के 10,000 काम दिला बोले 10,000 का दो तो काम तो भाल लागछे यदि एकाने दो तो काम एकाने यदि शरीर ओदे कान ही कान हो जाए देखते भाल लागबे दो तो ही काम देखते भाल लागछे यदि पूरा शरीर ही कान ही कान होते भाल लागबे लागबे ना बोले तुम्हें कि सारा शरीर में तो कान चाह बोले ना 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 10,000 कान माने कान तो दूट ही जाते थाके कि जो दूट और कान में बच जाते 10,000 कान ते कथा सुना जो कृष्णा जाते ही दूट ही कान से द्वितीय कारण बोल ले जरा कम एक हाने भाग भगवान की कथा होते आर तो बुधाय भगवान की कथा होता है आर तो बुधाय होते जाते जब तो पृथ्वी ते जब तो जगाई बोली तेरे पता होते जाते हम कत्तो रूप नहीं है समस्त जगह पता हमी सुनते पारी किसी जगह की कथा चुप नहीं जाए जितने जगह पर कथा हो रही है हर जगह पर मैं अलग अलग रूप को लेकर के मैं कथा सुनना चाहता हूँ इसलिए नारद भगवान से वरदान दो बार मांगे थे पहला वरदान था प्रभु तुम्हारी कथा सुन करके जैसे किसी को अरुचि नहीं हो मतलब जितना कथा सुने और सुने और सुने और सुने इसलिए श्री गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा यही सुनत अघाई अगर प्रभु की कथा सुनते सुनते कोई बोले अगर बोर हो गए क्या समझो रस विशेष जानत नाही वो रस का संबंध में कुछ नहीं जानता कुछ नहीं जानता है इसलिए कथा कौन सुन सकता है बोले एक पापी से भी पापी कथा सुन सकते हैं एक ज्ञानी से भी ज्ञानी कथा सुन सकते हैं अब बताओ कथा सुनने का सबसे बड़ा रहस्य कौन जानते हैं हमारे तो कथा सुनते खूब भाल लगे और तो सब थे काके वैसे भाल लगे कथा सुनते आपने बोल तो आए बोलो तो क्या बोल रहे हमारे को भाल लगे रविंद्र का सब थे काके वैसे भाल लगे क्या बोलो आप काके माँ को गुणगाना है बोले ठाकुर के नाम कृष्ण कथा कृष्ण के जब तक भाल लगे तास के वैसे आए तब तो भाल लगे ना अपना जब तक सबकी कथा बोलती एक जन भक्त छे तेने प्रत्येक बार तेनी जयपुर ते गोविंद तेरा आछे ते दर्शन कर छे तेनी प्रत्येक वर्ष आसे तने कथा बोलते एक वर्ष तेनी कथा बोले गिए छे द्वितीय वर्ष ऐसे छे कथा बोलते एक हम तेनी समस्त श्रोता दे के प्रश्न कर छे बोलन तो आगे बार कथा हम कुठाई विश्राम दी छे और पर के नाम है कथा का सुना लो बोलो के बोल रहे एक हम काल के कथा हाँ द्वितीय दिन मन थे ना और एक वर्ष रागे कथा सुनी जा रही मन आज एक हम क्यों बोलते बारे में एक हम जे कथा वाचक छो तिनी बोलले ने मन होय मन के कोई ने कथा सुन एखाने बोलते के प्रकृत श्रोता एखाने केउ नहीं किसी मन रखे ना तो हम गोविंद देव मंदिर थे के शब्द ऐसे छे बोले पाठक जी आपकी गिरकम बोल चले तो कथा सुना रही हमी तो कथा सुनी गोविंद निजे बोल छे बोले आमी तो कथा सुनी
আপনি এই পর্যন্ত কথাকে আপনি বিশ্রাম দিয়েছিলেন, এরপর থেকে কথা আরম্ভ হবে। নিজে গভীর তিনি বলেন, এই জন্য কলিযুগে কৃষ্ণ কেন তিনি রাধারানীর ভাব অঙ্গ তা তিনি কিসের জন্য এসেছেন, এই কারণ হল কৃষ্ণ কথাতে, কৃষ্ণ ভক্তিতে, কৃষ্ণ স্বরূপেতে, তার নাম রূপ গুণ লীলাতে যে আনন্দ আছে কৃষ্ণ তিনি স্বয়ং সেটা জানেন, সেটাকে পূর্ণরূপে কে আস্বাদন করে বলে শ্রীমতী রাধারানী। এই জন্য কলিযুগে তিনি রাধা ভাব রূপে সুবলিতম নম কৃষ্ণ স্বরূপম, এই জন্য কৃষ্ণ তিনি স্বয়ং নিজের ভক্তি নাম রূপ গুণকে তিনি আস্বাদন করার জন্য তিনি কলিযুগে তিনি রাধারানীর ভাব অঙ্গতা তিনি কলিযুগে শ্রী গৌর হয়ে উঠে আসে বলে নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি। বাঙালি এখানে যা নেই না বলুন জমি তোর দিয়ে না কেন, তো বাঙালি আছে তো কারা যা গৌর ব্রহ্মান্ড। আমি বাংলা হিন্দি দুটো মিলিয়ে বলবো ঠিক আছে, যত আমার হিন্দি মায়েরা বাবার না দুঃখী হয়ে যাবে বাড়ি পালিয়ে যাবে মাঝখানে বলে হিন্দি বলে এখানে হিন্দি ভাষী কতনে কেতনে লোক হিন্দি ভাষী হিন্দি ভাষী হিন্দি ভাষী কেতনে হিন্দি ভাষী আসলি জিনিসটা ভাষা হিন্দি হে আসলি জিনিসটা ভাষা হিন্দি হে কিসকে হে এক দো হিন্দি আপ লোক হিন্দি হে হিন্দি ভাষী হে হিন্দি ভাষী আপ লোক সব বাংলা সমঝতে না বাংলা তো সমঝতে হো কি নেই সমঝতে যে হিন্দি ভাষী বাংলা সমঝতে কি নেই সমস্তি হ্যাঁ হরে কৃষ্ণ হ্যাঁ এসলিয়ে কি বলবো যে বুঝে উঠে যাবে এই এই জন্য এই জন্য ভগবানের কথা হ্যাঁ ভগবানের কথা শুনে শুনে তার অরুচি হয় না, এই জন্য কথা শোনার কে অধিকারী বলে পাপি থেকে পাপিও কথা শুনতে পারে এবং জ্ঞানী থেকে জ্ঞানীও এই ভগবত কথা শুনতে পারে, ভগবানের কথা শুনে তার অরুচি হয় না, এটা হলো প্রথম নম্বর। বলে দ্বিতীয় নম্বর হলো কথা কোথা থেকে শুনব, কথা তো বহু লোক করছে কিন্তু শুনব কার কাছ থেকে কথা, সেখানে বলছে কথা শুনতে হয় আমাদের কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলছে যা হোক ভাগবত কোন বৈষ্ণব যেখানে সেখানে কথা শুনতে মনা করছে যাও ভাগবত পর বৈষ্ণবের স্থানে একান্ত আশ্রয় করে চৈতন্য চরণী চৈতন্য ভক্তের তুমি নিত্য কর সঙ্গ তবে তো বুঝিবে তুমি সিদ্ধান্ত কর, তিনি বলছেন যদি কথা শুনতে হয় বলে যার তার যার তার তাই কথা শুনতে নেই তিনি মনা করলেন বলে কেন, তিনি একটি উদাহরণ দিয়ে বললেন যেরকম দুধ ফেলে কি হয় ক্ষিদা নিবৃত্তি হবে শরীরে তুষ্টি পুষ্টি শক্তি আসবে কিন্তু ওই দুধকে যদি একটি সর্প মুখ মেরে দিয়ে কি হবে দেখতে তো মনে হবে দুধ কিন্তু যদি কেউ খায় না সম্পূর্ণ উল্টা রিয়াকশন হবে, এই জন্য বলছে সমুদ্র মন্থন থেকে বিষও বেরিয়েছে সমুদ্র থেকে অমৃত বেরিয়েছে, ভাগবতের মধ্যে বিষও আছে এবং ভাগবতের মধ্যে অমৃত দুটো বস্তু ভাগবতের মধ্যে আছে, ভাগবতের যে অন্তিম শ্লোক না ওখানে বলছে বস্তু কনিষ্ঠম কৈবল্য ঐকম প্রয়োজন একটু বুঝতে চাই খুব ভাগ্যে ভাগবতের অন্তিম শ্লোকের মধ্যে বলছে কেন বৈষ্ণবদের কাছে কথা শুনব কে কারণ কি বলে কৈবল্য ঐকম প্রয়োজন, যারা জ্ঞানী যারা ভগবানকে নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্ম মনে করে বলে ভাগবতের সার কি বলে কৈবল্য ঐকম প্রয়োজন, কৈবল্য মানে ব্রহ্ম মুক্তিকে বলে বলে মুক্তি শেষে ওই ব্রহ্ম জ্যোতিকে গিয়ে লীন হয়ে যাবে কিন্তু ওই একটি শব্দকে যখন বৈষ্ণবরা পড়ে বলে কৈবল্য ঐক্যম বলে কেবল একই বস্তু চাই সেটা কি বলে ব্রজ ভক্তি চাই কেবল এক কিন্তু যখন ওরা পড়বে জ্ঞানীরা বলে কেবল কৈবল্য মানে মুক্তি কিন্তু যখন বৈষ্ণবরা পড়বে একই শব্দ বলে কৈবল্য ঐক্যম মানে এক কেবল ভক্তি সেটা কি বলে ব্রজ ভক্তি হমে চাহিয়ে কৃষ্ণ ভক্তি হমে চাহিয়ে ব্রজবাসীয় কা ভক্তি গোপিয়া দেশ ভক্তি কি
कोई भक्ति को भी तेरे भक्ति आमादन चाहिए और कौन भक्ति चाहिए देखो एक ही शब्द के कि हमें दूध दूध अर्थ हो गया छे एक जने जब एकाने बोल छे भागवत कथा तक सुनबो भागवत सुनबो वैष्णव तेरे दास के कथा सुनबो तभी कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम पावे और यदि ज्ञानी कर्मी योगी तेरे का भागवत सुने तब ना अपना जोग दिखे कर्म दिखे भोग दिखे मिले ऐसे भाग एक ही भागवत 180 टीका है बदले आज 180 टीका बोले अलग अलग बोल गए कथा तो शब्द तो एक ही अलग 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 की रकम होलो ऐसे बोल से जिनकी भाव रही से जैसी हरी मूरत देखी तिनी तैसी अर्थ होलो जार जे रकम भाव तिनी से भाव अनुरूप तिनी से खान दर्शन करे ऐसे भागवत केवल वैष्णव दर का से सुनता है लेकिन भगवान बोलते भक्त्या माम एकया द्राजम भक्तराई आमा के बुझते पारे ज्ञानी कर्मी जोगी आमा के बुझते पारे ना लेकिन सुनबो कारण कास्ते के और वैष्णव तेरे कास्ते सुनबो बोले भागवत तेरे मध्य विषय वस्तु की बोले सिखाने जे विषय वस्तु अनेक सुंदर विषय सिखाने हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते बोले आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधो वर्गीन जा कल्पिता बोले भागवत मध्य विषय वस्तु आराध्य भगवान ब्रजेश तनय हमारे आराध्य के बोले वृंदावन ब्रज कृष्ण तीन होलन हमारे आराध्य बोले कि भावे ताके भजन करता हवे बोले जद्दे पिता के पांच प्रकार रसल भक्तरा भजन करते शांत दास्य सत्य वात्सल मधुर किंतु गोपीरा जे भावे ताके भजन करते एई भजन भी होला हमारे सर्वोच्च हेतु एकने श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की ब्रह्मार एक दिन एक बार ऐसे सही अनर्पित चरित्र जिला प्रेम प्रति प्रदान करें जे प्रेम प्रति ब्रह्मार एक दिन आगे एक बार दिए चले आबार ऐसे कई सही ब्रह्म प्रेम के दिन दिए चले अतएव एक हम लोग कार मत श्री चैतन्य महाप्रभु वतन यही मत की हो श्री चैतन्य महाप्रभु यही का ही मत हम लोग लेकिन यही का के आदर करे और का के आदर करे ना यानी भागवत के विषय वस्तु हो लो ब्रजतरंगन कृष्ण ने भक्ति हमारा कर लो एकने गत कल्ले हमारा भागवत रे महिमा श्री पद्म पुराण ते के सुने चला आज के एक तो स्कंध पुराण ते की भागवत रे महिमा से हमारा कोई टाइप के सुन लो ये बार हम 10 मिनट की वीडियो हो ठीक है छे इसलिए कहते स्कंध पुराण में भी ये भागवत की महिमा है बोले जिस समय भगवान कृष्ण इसी संसार छोड़ करके चले गए इतने पांडवों ने देखा जब कृष्ण ही नहीं रहे फिर रह करके क्या काम इसलिए पांडव भी की दुनिया को त्याग दिया लेकिन जाने से पहले हस्तिनापुर का राजा श्री परीक्षित महाराज को बनाए और वृंदावन का राजा श्री बज्रनाथ को बनाए एक दिन परीक्षित महाराज बज्रनाथ से मिलने के लिए वृंदावन में आए बोले बज्रनाथ सब कुशल मंगल है ना बोले आपका आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है लेकिन मन बड़ा उदास है बोले क्यों बोले वृंदावन में कोई है ही नहीं क्योंकि भगवान जब इसी दुनिया छोड़ करके गए संपूर्ण वृंदावन को ठाकुर जी लेकर चले गए जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु कितना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्य धाम सावतन जब भगवान गोलोक वृंदावन से आते ही धाम और परिकरों को लेकर के आते हैं लेकिन जब ये दुनिया से जाते हैं धाम और परिकरों को लेकर के प्रभु चले जाते हैं बोले वृंदावन में कोई है ही नहीं सुनी सुनी लग रहा है कोई है ही नहीं वृंदावन में इसलिए मैं तो बड़ा उदास मन लेकिन परीक्षित महाराज को ये पता है कृष्ण स्वयं कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि मैं वृंदावन छोड़ करके एक प्यार भी एक कदम भी कहीं मैं नहीं जाता ये परीक्षित महाराज को पता है बोले ये रहस्य कौन जानता है बोले से सांकेत्य ऋषि जानते हैं ये सांकेत्य कौन है बोले नंद बाबा का ये कुल पुरोहित है त
तब परीक्षित महाराज सांदिल्य ऋषि को बुलाए, बोले आप कृपा करके थोड़ी सी ये वृंदावन धाम की थोड़ा महिमा बताओ। तब सांदिल्य ऋषि ने कहा, देखो भगवान का लीला दो तरह का है, एक वास्तव लीला और एक व्यवहारिक लीला। मैंने एक वास्तव लीला, एक होगा साधारण लीला। किंतु वास्तव रूप में, साधारण रूप में देखो कृष्ण की जब संसार छोड़कर के चले गए, लेकिन जब वास्तव रूप में देखोगे कृष्ण वृंदावन छोड़कर नहीं गए, अभी भी कृष्ण वृंदावन में है। इसलिए बंगला में एक लिखता नहीं है, एक से वृंदावन बांसी राजे रे, हमने सुने तक में बोले अभी भी कृष्ण वृंदावन में बंसुरी बजाते हैं। एक ना सही ललना जलानी ते जाए जमुना, अभी भी ब्रज गोपियां जमुना में पानी भरने जाते हैं, अभी भी कृष्ण सखाओं को साथ में गैया चराने जाते हैं, अभी भी धूल उड़ती है, अभी भी धूल उड़ती है। वृंदावन कौन कौन वृंदावन गए, क्या क्या वृंदावन किए थे, सब वृंदावन किए थे। देखिए मैंने वृंदावन द्वितीय बनना चाहिए, एक विधुवर और द्वितीय ये चैन अपने ओखान देखिए संध्या होले बोले एक बांदर गर्जन तो वो निकुंज में खाते ना, वो निधुवर खाते ना, उधर तारा तो आए ना, देखिए मैंने बांदर गुरु निकुंज को दिया, ओखाने सुंदर फूल सज्जा दिए, घटी मध्य जल दिए दिए, लाडू दिए, दामतन दिए, सकाले ऐसे देखा जाए मन हो फूल सज्जा करके उसने दिए थे, कखन लाडू पावा जाए ना, लोटार मध्य जल पावा जाए ना। आज यदि क्यों इच्छा करे आप जोर जबरदस्त ठाकुर ना ओखाने वो मरी जाए नथवा भोबा हो जाए। आम्ही नीचे दुई घटना देखी थी, कोई निकुंज वगैरह का छा मधे मंदिर आसना नहीं, हमें देखिए एक माँ तो एकदम पूरा पागल हो गई थी और मधे देखे, आज एक माँ के देख लाम पूरा शरीर छड़े थे। जरा भगवान के माने ना ना, अरे भगवान भगवान के देखे थे, मतलब बोतल बोले एक रात्रि थी कि जंगल देखे थे, तब वो बुझते बार में भगवान आचे कि ना तेरी तब वो बुझते बार में। इसलिए अपना सवाल जाने हमारे संप्रदाय जखन श्री श्यामानंद प्रभु दुखी कृष्ण दास जखन तेरे वृंदावन तेरे एले जीव गोस्वामी काचे तेरे की बोले तुम एक तो गिर नहीं मने झाड़ू लगाओ, एखनो राधा रानी सेखने लीला करे और तेरे झाड़ू लगा दे लगा तेरे की गिर चले। हाँ राधा रानी तेरे चरण में नुपुर तेरे किए चले, एखने जीव गोस्वामी बुझते पड़े बोले एखा हलो राधा रानी चरण में नुपुर, देखो जाके तक दिवे ना राधा रानी तुम्हें दर्शन देवा जो छर्णा कर जी क्यों नीते आसे ना बोलिए जार चरण नुपुर तीन जी आसे तब आप हाथे पड़ी दब। तब राधा रानी बोले तुम्हें नीचे चक्र उपर काला कपड़ बांध तब हमें आसब, राधा रानी तक स्वयं तेरे निजे हाथे से राधा रानी चरण तीन नुपुर पढ़ाए, राधा रानी तार तिलक कर दिए। हैं अपना जाने श्री नंदग्राम में जखन श्री सनातन गोस्वामी तीन रूप गोस्वामी का आसे एक रूप गोस्वामी चिंता कर बड़ दादा ऐसे छे ताके तो कुछ खवाते हो तीन पाए से खूब भलोबासे तब राधा रानी की कर छोट बालिका रूप धारण कर ऐसे तार जन पाए से लाने दी जाए। जखन रूप गोस्वामी भोग लागिए सनातन गोस्वामी की दिले तीन अनेक पाए से जीवन किए छे किंतु वही पाए से किए ना उनका प्रेम तो हृदय प्रेम गदगद हो गए छे जीवन में आम इतना सुंदर पाए से खाए नहीं हम बुझते कर छे तेरे तर राधा रानी जे की सखी रूप मंजरी है अतर तिनी सनातन गोस्वामी बोल ले बोले रूप तुम्हें की मन मन के जो चिंता कर चले बोले हाँ हमें मन मन चिंता कर चला अनेक दिन पर बड़ो दादा ऐसे जो तुम्हारे खीर पाए से खा बोले बोलो तुम्हारे मन भावना के बुझी गई कई जंगल में बच्चे के पाए से ऐसे बाली दी जा रही वो जो बालिका का ऐसे चलो ना वो साधारण बालिका ना है पाए से का किए देखो कत्तो मिष्टी कत्तो सुस्वाद है मतलब अतः एक हो ना भगवान तेरी
বৃন্দাবনে এখনো তিনি বিলাপ করেন, কিন্তু তিনি বলছেন কে দেখতে পাবে? তিনি বলছেন বলে প্রেমাঞ্জন চরিত ভক্তি বিলোচনেন সন্তহ সদৈব হৃদয়সু বিলোকয়ন্তম জম শ্যাম সুন্দরং মচিন্ত গুণ স্বরূপং গোবিন্দং মাদি পুরুষং তমহ ভজামি। তিনি দর্শন করতে পারে, ওই লোক ই দর্শন কর সকতে হ্যাঁ জিনোনে আপনা আঁখো উপর মে প্রেম রূপী অজল লগায়, কাজল লগায়। দেখিয়ে হামারা আঁখো মে কাম ক্রোধ লোভ মোহ রূপী কাজল লগা হুয়া, ইনি আঁখো সে প্রভু কি দিব্য লীলা কো হম দর্শন নহীঁ কর সকতে হ্যাঁ। আঁখো মে প্রেম রূপী হমে অঞ্জন লগানা পড়েগা। ইসলিয়ে শ্রী সাণ্ডিল্য ঋষি নে কাহা, দেখো বজ্রনাথ अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में है, अभी भी कृष्ण लीला कर रहे हैं। अगर दर्शन करना एक काम करना पड़ेगा, बोले बताओ क्या करना पड़ेगा? बोले धीरे 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 कृष्ण लीला की जितने स्थली है वो सब के सब अंतर ध्यान होने जा रहा है। तुम जाओ कृष्ण लीला स्थलियों को प्रकाश करो, और कृष्ण जैसे जैसे लीला की लीला के अनुरूप वैसे तुम लीला स्थलियों का नाम भी रखा करो, और सुंदर सुंदर तुम विग्रह बना। कृष्ण का कृपा होगी फिर कृष्ण तुम्हें दर्शन देंगे। इसलिए अभी भी आप वृंदावन में जब जाओगे, जितने वृंदावन में लीला स्थली देखोगे ना, वो कृष्ण लीला के अनुरूप नाम रखा हुआ है। एक स्थान का नाम कोकिलावन, ये चला बोले कोकिलावन नाम क्यों पड़ा, कारण क्या है? बोले एक समय श्याम सुंदर राधा रानी से मिलने के लिए जागर गए, दरवाजा खटखटा, इतने में उनका जो सास और ननद है ना जटला कुटला बड़ा तेज है, ले कौन है? कृष्ण तो डर गए, एक बेर को पीट पेड़ पत्ते छुप गए। थोड़ी देर बाद में फिर कृष्ण खटखटा, फिर जटला कुटला, ले कौन है? ऐसे रात भर कृष्ण राधा रानी से मिलने की कोशिश की, लेकिन ये जटला कुटला मिलने ही नहीं दिया। कृष्ण ने कहा दारी के मेरे से मिलने नहीं दिया, ऐसे काम में करूंगा ना तुम मेरे साथ में राधा रानी को मिलाओगे। फिर कृष्ण आकर के कोकिलावन में बड़े सुंदर उन्हें शब्द से बोले, जटला कुटला सुनकर तो मुग्ध हो गए। बोले जीवन में बहुत सारे कोयले का आवाज तो हमने सुनी, लेकिन ऐसे कोयले का आवाज कभी सुना नहीं। बोले हे राधे जाओ सुन करके आओ, कितने सुंदर एक कोकिल कू बोली से बोल रहा है। तब सब जटला कुटला भेज दिया, फिर कृष्ण का साथ में मिलन हुई, इसलिए उसका नाम कोकिलावन है। एक स्थान का नाम है छत्रीवन, बोले छत्रीवन क्यों? कृष्ण स्वयं राधा रानी के सर ऊपर में छत्र धारण किया और संपूर्ण ब्रज मंडल में प्रचार की, आज से वृंदावन का जो राज रानी है श्री राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की जोर जयकार दी, बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए बज्रनाभ ने सारी ब्रज मंडलों को प्रकाशित कर दिया, और विशेष करके उन्होंने तीन विग्रह स्थापन किया, गोविंद गोपीनाथ और मदनमोहन। ये गोविंद कौन है? कहते कृष्ण का चरण है, हैं? कहते श्री बज्रनाभ का जो दादी थी वो कृष्ण का दर्शन की थी, कृष्ण की प्यारी प्यारी मीठी मीठी वो कथा सुनाया करती थी। एक दिन बज्रनाभ ने मचल दिया, बोले दादी जी हमारे दादाजी कैसे थे इतना दर्शन कराओ, बोले तुमको मूर्ति बनवा करके दर्शन कराऊंगी। तो उन्होंने मिस्त्रियों को बताए वो दर्शन की थी, बोले कृष्ण मूर्ति बनाओ। तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर कृष्ण मूर्ति बनाई, तो उन्होंने दिखाया, देखो ये मूर्ति सही बना? बोले नहीं, इनका केवल चरण आया है, इनके बख्यस्थल मुख कमल नहीं आया, वो ठाकुर का नाम रख दिया मदन मोहन। फिर एक विग्रह बनाया, बोले इसका बख्यस्थल आया उसका नाम रख दिया गोपीनाथ, और बनाया केवल उसमें मुखमंडल आया उसका नाम रख दिया क्या नाम रखा? गोविंद नाम रखा। फिर एक सूर्यास्त में अगर ये तीनों ठाकुर को कोई दर्शन करे ना, उसको कृष्ण दर्शन करने का फल मिलता है। क्यों? बोले उनका तीनों अंग में तीन स्वरूप आया है,
लेकिन अभी जयपुर में केवल दो ठाकुर मिलेगा, कौन कौन मिलेंगे? गोपीनाथ मिलेंगे और कौन मिलेगा? गोपीनाथ मिलेंगे। लेकिन जो मदन मोहन अभी वो करौली में चले गए। देखो ये ठाकुर जी कितने कृष्ण कितना प्रेम का ठाकुर है, बोले ये करौली क्यों गए? बोले राजा मान सिंह राजकुमारी खूब कृष्ण भक्त थी, कृष्ण के खूबी भालवास को निजेर हाथे कोई मदन मोहन के श्रृंगार करते एखन बियर समय होइए छे। তিনি রাজ করলি রাজার সঙ্গে তিনি বিয়ে দেওয়ার ঠিক করছে, তখন তিনি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়ে আমি তো তোমাদের দহেজ রূপে যা দেব দেব, কিন্তু তোমার মনের মধ্যে যদি তুমি ইচ্ছা থাকে বলো। বলে বাবা তুমি কিছু দাও আর না দাও, তুমি আমাদের এই মদন মোহন ঠাকুরটা দিয়ে দাও। কিন্তু ওনার নামই হল মদন মোহন, সব থেকে সুন্দর মদন মোহন ছিল। বলে না অন্য ঠাকুর তোমাদের দেবো, কিন্তু মদন মোহন দেব না। বলে না আমি নিলে এই মদন মোহনকে নিয়ে যাবো, তো আমি বিয়েই করো না, এখানে বাবার মেয়ের মধ্যে ঝগড়া লিয়েছে। তখন রাজা বললে দেখো তবে তোমাকে দেবো পরীক্ষা করে। বলে কি পরীক্ষা করবে? বলে সমস্ত ঠাকুরকে আমি লাইন করে দাঁড় করে দেবো, তোমার চক্র উপরে আমি কালা কাপড় বেঁধে দিয়ে ছেড়ে দেবো, তুমি যে ঠাকুরকে দিয়ে স্পর্শ করে বলবে এই ঠাকুর নেব, তোমাকে ওই ঠাকুর দিয়ে দেবো। এবার ঠিক আছে বাবা। এখন রাজকুমারী যখন রাত্রিতে বিশ্রাম করতেনি, তিনি ক্রন্দন করতে করতে ঠাকুর দেখিনি হৃদয় থেকে ডাকে, হে মদন মোহন তুমি তো হলে আমার প্রকৃত পতি হল তুমি, এই জগতের প্রতি হিন্দিতে বলে এই সে বর কো ক্যা ভরে জো জন্মে অউর মর যায়, বর বরি ও গোপাল কি সব চুড়ন অমর হয়ে যায়। বুঝতে পারছেন তো? এই জগতের প্রতি হ্যাঁ এই পতি একদিন মারি যাবে, আমিও মারব তিনিও মারবে, এই সিন্দুরিও মিটে যাবে, কিন্তু বলছে এইরকম বর কি বর্ণ করবে, এইরকম বরকে বর্ণ করে যাতে কখনো শাখা আর ভাঙবে না আর মাথা সিন্দুর কখনো মিটবে না। তিনি কে? এই যে হিন্দিতে একটা কথা বলে, আও মেরি সখিয়া মুঝে মেহেন্দি লগা দো, মুঝে শ্যাম সুন্দর কো গোপী বনা। এইখানে বলে শ্যাম সুন্দর তুমি তো হলে প্রকৃত পতি, তোমার সঙ্গে তো আমার প্রকৃত ভালোবাসা হয়েছে, কিন্তু এখানে উপরে থেকে কার সঙ্গে বিয়ে করতে হবে? কিন্তু বাবা বলছে পরীক্ষা করে দিবে, আমি কি করে জানবো তুমি এই মদন মোহন? বলে কোনো চিন্তা করবে না, এটা কাজ করবে, তুমি প্রত্যেক ঠাকুরের যায় না হাত লাগাতে লাগাতে আসবে, আর যখন তুমি আমার কাছে আসবে এটা আর কেউ বুঝবে না, তুমি বুঝবে আর আমি বুঝবো, তখন আমি তোমার হাতটা ধরে ফেলবো, তখন তুমি বুঝতে পারবে এই মদন মোহন, তখন আমি তোমার সঙ্গে চলে যাবো। সত্যি সত্যি ঠাকুর তিনি ওনার হাত ধরে ফেলেছে, কিন্তু এটা কেউ দেখতে পাচ্ছে না। বলে বাবা আমি এই ঠাকুরটাকে নেব। রাজা মানসিক চিন্তা করলো, বাবা রে এ কি করে বুঝলো এটাই মদন মোহন? সত্যি সত্যি বলে তোমার জয় হলো আর আমি ফেল হয়ে গেছি, তুমি এই ঠাকুরটা নিয়ে যাবে। এই জন্যে বজ্রনাভ তিনি সম্পূর্ণ ব্রজ মন্ডলকে তিনি প্রকাশিত করে তিনি সেই ভগবত দর্শন তিনি প্রাপ্ত করে। এই সময় কি হয়েছে, কৃষ্ণ যখন তিনি অন্তর্ধান হয়ে গেলেন, কৃষ্ণের যত পত্রীরা ছিল 16108 পাঠান, এরা কৃষ্ণ বিরহে খুব দুঃখী। কিন্তু দেখে যে কালিন্দী মানে যমুনা নদী তিনি দুঃখী নন, তিনি খুব প্রসন্ন। এখন মহিষরা জিজ্ঞাসা করে বলে কালিন্দী কৃষ্ণ তো আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে, আমরা তো তার বিরহে খুব দুঃখী, কিন্তু তোমার কাছে দুঃখ কেন নেই? তিনি বলছেন দেখো আমি রাধা রানীর আশীর্বাদে আমি বুঝতে পারছি কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে কোথায় তিনি যান, এখনো কৃষ্ণ পূর্ণরূপে তিনি বৃন্দাবনে আছেন। বলে ওইটা কি করে অনুভূতি হবে? বলে কেবল রাধা রানীর কৃপায় তোমার অনুভূতি হবে। এই জন্য বলা হচ্ছে রাধা রানীর তিনটি স্বরূপ, কয়েকটি স্বরূপ বলুন? তিনটি স্বরূপ। বলে কি কি স্বরূপ? একটি হলো বিরহিণী, একটি হলো সংযোগিনী, আর একটি হলো বৃষভানন্দিনী। তিনটি স্বরূপ হলো রাধা রানী। বলে বিরহিণী রাধা কে? বলে বিরহিণী রাধা কে? যখন উদ্ধব তিনি যখন এসে ওই উদ্ধব পিয়ারীর মধ্যে ওই রাধা রানীর সঙ্গে যখন মিলে তিনি হলেন বিরহিণী রাধা রানী। আর একটি হলো সংযোগিনী। বলে সংযোগিনী রাধা কে?
বলে যে রাধা রানীর সঙ্গে কুরুক্ষেত্রের সঙ্গে মিলন হয়। কৃষ্ণ যখন কুরুক্ষেত্রে গেলে সেখানে সমস্ত ব্রজবাসীরা এসেছিল, মানে যেখানে মিলন হয় তিনি সংযোগী। বলে কৃষ্ণভানু রাজনন্দিনীকে, বলে তিনি হলে যিনি কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ রূপে তিনি বৃন্দাবনে তিনি সেই কৃষ্ণের যে প্রাকট্য তিনি যিনি সব সময় তিনি দেখেছেন, কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ছেড়ে তিনি কোথায় যাচ্ছেন না, তিনি সব সময় তিনি বৃন্দাবনে নিবাস করছেন, তিনি হলেন বৃষভানন্দিনী শ্রী রাধা রানী। অতএব তিনি বললেন কৃষ্ণ কোথায় তুই জাননি, কিন্তু কেবল শ্রী বৃষভানু রাজনন্দিনী কৃপাতে সেটাই অনুভূতি হবে। তখন বললেন দেখো আমরাও সেই রাধা রানীর দাসী হতে চাই, আমরাও অনুভূতি করতে চাই কৃষ্ণ আছে এখানে। বলে এই কথাটি কে বলবে, বলে একটি ব্যক্তি কেবল বলতে পারে। বলে তিনি কে, বলে উদ্ধব। কেননা কৃষ্ণ তিনি উদ্ধবকে তিনি ব্রজেতে তিনি পাঠিয়ে তাদেরকে তিনি সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, এইখানে কৃষ্ণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে উদ্ধব তো অভিমান নিয়ে যাচ্ছে, আর এইসব গোপীদেরকে বুঝাতে আমার কোনো কষ্ট হবে নাকি, এরা সব ঘুরতে পাতে গভি মন্থন করে, আর গোয়ালিনী আমি এত বড় বিদ্বান, এদেরকে আমি তো অনায়াসে বুঝিয়ে দেব। কিন্তু যখন উদ্ধব যখন তিনি ব্রজে আসে, কিন্তু কৃষ্ণ জানে এ কিছু বোঝাতে পারবে না, এ গোপীদের বুঝাতে পারবে না, ও জানে। তখন কৃষ্ণ বলেছিলেন দেখো উদ্ধব, যখন তুমি তাদেরকে ও কিছুতেই তুমি বুঝাতে পারবে না, একটা কাজ করবে। বলে কি, বলে ওদের বলবে তোমরা এখানে চোখ বন্ধ করে বসে পড়ো, চোখ বন্ধ করে বসো, তখন আমি সেখানে স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে তাদের সঙ্গে আমি জল বিহার করবো, রাসলীলা করবো, কুঞ্জ কুঞ্জ লীলা করবো, তখন আমি তাদের সঙ্গে জল বিহার করবো। এই জন্য উদ্ধব যখন কিছুতেই তাদের বুঝাতে পারেনি, অনেক সান্ত্বনা দিয়ে তাদের বললে, কৃষ্ণ বলছেন তোমার চোখ বন্ধ করে বসে পড়ে, যখন বসে পড়েছে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ সেখানে প্রকট হয়েছে, তাদের সঙ্গে সমস্ত লীলা করছে। অতএব উদ্ধব এই রহস্যটি জানে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ছেড়ে কোথায় তিনি জানে। বলে কেন উদ্ধব কি পাপ কোথায়, বলে উদ্ধব এখানেও আছে। বলে কোথায়, বলে গিরিরাজ গোবর্ধন। আপনার গোবর্ধন পরিক্রমা করেছেন, কারা কারা করেছেন গোবর্ধন পরিক্রমা? হ্যাঁ, দেখবেন ওই রাধা কুণ্ডের আগে ওখানে আছে উদ্ধব কুণ্ড আছে। বলে এখনো সেই উদ্ধব সেখানে ঘাস হয়ে সেখানে তিনি এখনো ভজন করছে। হ্যাঁ, এখনো ভজন করছে। বলে চলো আমরা সবাই সেই উদ্ধবের কাছে যাব, তাকেই আমরা জিজ্ঞাসা করব। তখন সমস্ত মহিষীরা আর বজ্রনাথ পরিকৃতি মহারাজ শান্তিল ঋষি সবাই এসেছে, শ্রী গিরিরাজ গোবর্ধন এসেছে, ওইখানে এসে তারা সুন্দর গোবিন্দের তারা কীর্তন করেছে। বলে গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় 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 হরি গো, হরি গো, হরি গো, হরি গো।
राधा रानी संगे एवं समस्त ब्रजवासी देर संगे कृष्ण स्वयं सकने प्रकट हन एवं तमन महिष राशि गोपी देर संगे वही खाने संख्यात दर्शन करे अर्थ हल आमरा यदि यही भागवत कथा श्रवण करी आमरा और सही कृष्ण के प्राप्त करो एक ने परीक्षित महाराज के सुखदेव गोस्वामी बोले तुम्हारे किच्छु करता है ना जाग जग्य तपस्या स्वाध्याय तुम्हारे किच्छु करता लगे ना केवल तुम्हें बस और केवल यही भागवत कथा श्रवण करो भागवत कथा श्रवण करते करते जेपर जब तुम्हारी ये अनुभूति ना है हमें गोविंद के पिए से पर जब तुम्हारे हम छाड़ो ना एक ने जब भागवत कथा विश्राम हो गोलोक वृंदावन थे रथ है लो परीक्षित महाराज सुंदर एक गोपी रूप धारण करतनी से रथे बसतनी गोलोक वृंदावन थे गमन करे अतः वही भागवत कथा ही थी हमारे के सही भगवत दर्शन करा गई बोल श्रीमद भागवत कथा प्रीतम की जोरे जयकार जी ते हां बोल छे के जय बोल छे बोलना जय दिले जय दिले भगवान के की जय है ना जी ता तो जय जय आ छे किन तार जी जब तो जरे जय दिले ना तुम्हारे तत्व पाप नष्ट हो गया तुम्हारे तत्व जय हो हैं बोल श्रीमद भागवत कथा प्रीतम की जय एक बार मनोज कथा हो छे एक हर तादर संगे साक्षात कृष्ण दर्शन है एक हर उद्धव तेरी बोल छे बल जे आमार जे गुरुदेव छिले श्री बृहस्पति तेरी आमा के भी सुंदर कथा सुनी छे बल की सुनिए छिले बल ये विश्व ब्रह्मांड मध्य सृष्टि स्थिति आर प्रलय केवल ये भागवत कथा द्वारा हो छे जब हमने कृष्ण ए जगत के तेरी सृष्टि कर ले तब हमने तेरी तीन ती देवता के सर्वश्रेष्ठ तेरी सृष्टि करे ब्रह्मा विष्णु और महेश ब्रह्मा के बोल ले तुम्हारा काज वाला सृष्टि करा शिव के बोल ले तुम्हारा काज वाला संहार करा तिनी विष्णु के बोल ले तुम्हारा काज वाला पालन करा एक ना ब्रह्मा ऐसे के बोले प्रभु तुम्हारा आशीर्वाद दे हम ये सृष्टि के काज करते बार में किंतु ये सृष्टि के काज हम रजोग किंतु यदि रजोग में थे मुक्ति कर कोई पाव बल तुम यदि सात दिन पर्यंत यही कथा श्रवण करो तुम्हारे रज गुण अगर व्याप्त करेगा ना यही भागवत प्रभाव तुम सृष्टि करते पाए एक नारायण ऐसे अच्छे बोले प्रभु तुम्हारा आशीर्वाद दे ये जगत का हम तो पालन करते पाए हो कि तुम लक्ष्मी के भी गरीब पालन कर लो बोले तुम ये कथा सुनो और सुनो देखो ये कथा है कथा महत्व जब हम नारायण थे यही भागवत कथा करे माँ लक्ष्मी सामने बसे की कथा सुन तेरी एक मास पर्यंत ये भागवत कथा तेरी पूर्ण कर तार पर माँ लक्ष्मी स्वयं तेरी व्यास गति वसे कथा सुनाए नारायण वसे कथा सुनाए माँ लक्ष्मी कत दिन ते कथा के समाप्त कर बोले दो मास हो बोले नारायण कथा मध्य जब तो मिष्टता आ चे सुंदरता आ चे जब ना माँ लक्ष्मी तेरी कथा बोले तार ते के मिष्टी कथा बोले कहना बोले नारायण हमें विषय विग्रह किंतु आश्रय विग्रह केवल भक्ति के तीनों लक्ष्मी अतः तीनी जब हमें कृष्ण कथा सुनाते बारे नारायण कथा सुनाते बारे में बोले क्या ना एक हमें जो रसगुल्ला जो की मिष्टी आ चें एक हमें जो खीर चें वो तो बुझते बारे हैं जो खीर चें तीनी तो बुझते बारे में अतः भगवान ने बस देख जब प्रेम भक्ति आ चें और जा के जाने तो एक जने कलिजु के महाद्रौपदी ने राधा रानी ने भाव हम ताकि एक जने तेरे नहीं आ सके एक शिव ठाकुर आ से बोले प्रभु तुम्हारा आशीर्वाद है आमी समस्त संहार करते पार लो कि तुझे आतंतिक लय आतंतिक लय मानी जब हम ब्रह्मांड पर जब जब हम ध्वंस हो जाए सब कुछ कोई एटा की कर पड़वा आमी और एटा हम तमो गुण रे काज आमी एक तमो गुण थे के मुक्ति की करी पाबो बोले तुम यही कथा सुना और सुना एक दिन जब ने शिव ठाकुर कथा बोले एक वर्ष पर जब दिन सुंदर भाव व्याख्या करके दिन कथा सुनाई बोले क्या ना शिव ठाकुर दिन के वैष्णव नाम यथा संभो दिन होने में परम वैष्णव पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी एक दिन खूब सुंदर भाव दिन व्याख्या करी बोले एक बार शिव ठाकुर की कथा से ऐसे माँ पार्वती कथा सुनानी है
पार्वती इनी होने वैष्णवी इनी वैष्णवी अतः शिवेर कथार मध्य जो तो आनंद ताते के जखन माँ पार्वती कथा बोले ना ओनार थे को सुंदर कथा बोले तिनी दुई वर्षर पर्यंत तिनी सुंदर भावे व्याख्या करते नी कथा सुना हैं ऐ जने देखो ऐ भागवत रे कथार प्रभावे ब्रह्मा जगत के सृष्टि करछे शिव जगत के संहार करछे विष्णु जगत के तिनी पालन करछे तार प्रभावे ऐ भागवत रे प्रभावे जा किछु दुनिया ते होछे ऐ भागवत रे कथार प्रभावे होछे ऐ जने एखाने गतकल्य आमरा श्रवण करछिला भागवत रे श्रोता हलो दुई प्रकार कत प्रकार एक जन श्रेष्ठ एक जन कनिष्ठ एबार आपना दर कास्त के आमी सुनले आमी बोलछिला आम जरे श्रेष्ठ श्रोता आमी बोलछिला पांच प्रकार एखन बोलुन तो के कार मने आछे एकटा बोलुन हां वाह मां 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 को भालो उत्तर दिए छे हां आर চৈতন্য মহাপ্রভু মহাপ্রভু বলছে যারে দেখো তারে তো কৃষ্ণ উপদেশ আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার এটা মহাপ্রভু আদেশ যাকে দেখবে ভক্তিগুণ ঠাকুর কি বলছে আনব কথা না কইবে আনব কথা না বলিবে যদি মিলিবে আনে হ্যাঁ এই জন্য বলছে না চারে মুখে ভাই কৃষ্ণ কথা নাই তার মুখ কি চাইও না বলছে না এই জন্য যাকে দেখবে কি বলবে ভক্তিতে ভজন কতটুকু করলে কতটুকু তুমি হরিনাম করেছ হ্যাঁ আজকে তুমি আপনার তো মালা পড়িয়েছ ভাগবতের কোন স্কন্ধ শুনেছ এরকম নেই তোমার বাড়িতে কি রান্না বান্না হচ্ছে ওর বৌমা এরকম করছিল ওর মা বেটি এরকম করছিল ওর না দুনিয়ার কথা বলবো না বলবো গোবিন্দের কথা বলবো ঠাকুরের কথা বলবো ঠিক আছে এখানে ভালো কথা দেখো কি করে কথা শুনতাম বলে এক সময় এই ব্যক্তি একটা দোকানে মূর্তি কিনতে গিয়েছে এখন দেখে তিনটি মূর্তি সমান বলে ভাই এই মূর্তির দাম কত বলে 100 টাকা বলে এই মূর্তি বলে 500 টাকা বলে এইটা বলে 5000 বলে তিনটা দেখতে সমান মানে হচ্ছে ইয়ে দামের মধ্যে একটা তফাৎ দেখে না বলে 3 গ্লাস দুধ নিয়ে আসে এখানে দেখা আছে এখানে 4 দাম ছিল 100 টাকা না ওর কানে যখন দুধ ঢালে ওর যেদিকে ফেলেছে ওদিকে বেড়ে গেছে বলে এ তো কথা শুনে কিন্তু যেদিকে শুনে না ওদিকে বেড়ে গেছে এই জন্য এর দাম হলো 100 টাকা এখন দ্বিতীয় মূর্তি যার দাম ছিল 500 টাকা যেখানে ওর কানে যখন দুধ ঢেলেছে এই কানে ঢেলেছে আর এই দিকে বেরিয়ে গেছে বলি এ কথা তো শুনে কিন্তু এই দিকে শুনে এই দিকে বেরিয়ে গেছে এই জন্য এর দাম হয়েছে 100 টাকা এখানে তৃতীয় মূর্তি কানে যখন ঢেলেছে এক বুন্দ বাহির বেরে সব ভিতরে চলে গেছে মানে এর দাম হলো 5000 টাকা মানে কি ই যে কথা শুনে না পুরা হৃদয়ের মধ্যে নিয়ে যায় এই জন্য কত টাকার শ্রদ্ধা হতে হবে 5000 এই জন্য মনে হচ্ছে এখানে 5000 আর টাকার সব কথার শ্রদ্ধা এখানে বসে আছে তো ভালো কথা দেখুন এই জন্য কালকে বলছিলাম যারা শ্রেষ্ঠ শ্রোতা তারা 5 প্রকার আর যারা কনিষ্ঠ শ্রোতা তারাও 5 প্রকার কিন্তু আমি কালকে 4 প্রকার বলছিলাম বলুন তো কে কে এক একটা এক একজনে এক একটা বলি এইটা আমার মনে নেই তবুও বলেছেন যে মায়ের খুব ভালো হ্যাঁ একটা তো কম সে কম বলছে এই জন্য প্রথম নম্বর হল উট উট মানে উটকে যদি আপনি সুন্দর সুন্দর কমল কমল পাতা কোনো দিয়েছেন আমের পাতাও খাবে না ও কি খাবে কাঁটা গাছ খাবে অর্থ হল যারা ভগবানের ভালো ভালো কথা না শুনে মধুর মধুর না কথা শুনে যিনি এই সাংসারিক কথা শুনতে ইচ্ছা করে হ্যাঁ সাংসারিক কথা কিরকম সব দুঃখের কথা
कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिना रह तो उदास। संसार में कथा लो दुखमय कथा है कहा लो ऊट द्वितीय नंबर की बोले माँ भेड़िया भेड़िया अर्थ हल छोट बाघ तिनी हरिणी के ऊपर कखन आक्रमण करे जखन तिनी खूब सुंदर शब्द शुणे मुग्ध हो जाए तखन ओर उपर आक्रमण करे माने कि किछु किछु एक रकम श्रोता अछे जरा कथा सुने ना जरा कथा सुने तादर के कथा सुनते दिए ना बिना कारण कारण जरा काछे बसिया छे तुम्हारे बैठे की राम ना उस लगो अरे वो बोमा ये लोगों को सुन सुने चाहो हैं जरा इस संसार में कथा नीचे सुने ना अन्य को सुनते दिए ना कर भेड़िया। तृतीय नंबर बोलो बे बलद हैं बलद के आपने यदि सुंदर सुंदर फल दिए छे ताके घास दिए छे किंतु तार मध्य उधर का पार्थक्य बुझे ना दूसरा के समान मन कर अर्थ हो कृष्ण कथा हो अथवा सांसारिक कथा हो जे सब कथा के लिए समान माने करे हैं गोविंद कथा हो सांसारिक बोले ना। आ चतुर्थ नंबर बोलो बोलो के बोलो चतुर्थ नंबर के बोलो तुम्हारे में ऊट ऊट तेरे पीठे देखे हैं ऊट तेरे पीठे ने बदे मैं ऊट नहीं गाधा 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 रे पीठे के ऊपर मैला मैला कापड़ मिल जाए बार दाल चावल सब पीठे पर ऊपर मिल जाए किंतु खावार समय की खावार में वही घास ही खावे बोले मैं ना तुम्हारे पीठे के ऊपर चाल का नियर सी लदे एक तो तुम्हारे भालू को अन्न खाए सुंदर चीनी मिये सब पीठे के ऊपर एक ग्लास शरबत बांटिए खावे बोले ना ओके वही घास ही खावे हैं अतः मतलब गाधा और चतुर्थ ना पंचम ना मतलब भूरुंडु भूरुंड एक हिमालय एक पाखी था और एक स्वभाव हलो ओके आपने जे रकम सुनावे वो ठीक वही रकम ही अपना सुना दी किंतु करार समय ना वो उल्टा करे वो उल्टा करे सुनबे सुनिए दिबे किंतु निजे जीवन आचरण में आनबे ना ओटा हलो भूरुंडु। अतः पांच प्रकार हलो श्रेष्ठ श्रोता पांच प्रकार हलो कनिष्ठ श्रोता आर भागवत हलो चार प्रकार बोलो के बोले के कथा हलो चार प्रकार चार प्रकार मने आछे चार प्रकार की एकटा तो बोलो के बोलो बोलो के बोलो हाँ तो राम के बोलो बोलो सही लग गया हाँ ऐसे ने राजसी तामसी सात्वी और निर्गुण हाँ कल क्या मैं अपना धर्म नहीं कथा सुनिए चाहिए इनसे सात्वी काके बोले राजसी कथा काके बोले तामसी काके बोले मतलब निर्गुण कथा काके बोले कल के ये विषय हम अपना धर्म नहीं कथा सुनिए चाहिए ठीक है चे अतः एगुलो हलो भागवत रे महिमा हैं एगुलो हलो भागवत रे महिमा आलो कथा एक ने भागवत जत्ते भी कृष्ण स्वरूप एखाने महिमा कथा केन बोललो बोले अमर हला बद्ध जी एखाने जदि कोन जदि तार द्वारा किछु लाभ जदि हय जदि ना सुनि ना तार मध्ये हमरा ध्यान देना केन हमरा हला कलि युग रे लोग एखाने एखाने भागवत रे महिमा हमरा सुनला एखाने हमारा एक बार कथा सुनबो एक दिन भजन सुनने नहीं तापर हमें कथा सुनबो प्रभु ये तने का सुंदर भजन सुना ले और अपना दिल की करता है की करता है नाश्ता वाले आप ताली लगा के देखने देता है ठीक है जे प्लनिताई गौर धर्मांदे हरि 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 बोल निताई गौर धर्मांदे हरि हरि बोल गुरु वृंदावन बिहारी नाम की जय जय श्री राम की गोपियों की जगत में इनकी उल्टी रीत।